गाइस देखो, वी आर इन द स्टूडियो एंड दिस इज द ऑल न्यू एप्पल वाला मैक स्टूडियो और यहाँ पे है बहुत ही तगड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस। आज आप इस वीडियो देख रही है, लाइक और शेयर करते हुए हम करते हैं इसी को अनबॉक्स। पर देखो, लाखों का सामान है और ये जो मैक स्टूडियो है ना, ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लेके आता है अपने साथ में। तो इसी को अनबॉक्स करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर कैसी परफॉर्मेंस को पैक किया है एप्पल ने इस छोटी सी मशीन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। इजी है अनबॉक्स करना, बिकॉज हमारे पास में केवल एक सेक्शन है खोलने को और उसके बाद में यस, यहां पे है हमारे पास में हल्का फुल्का ज्ञान इस मैक स्टूडियो के बारे में और एक बड़ा वाला एप्पल स्टिकर। ये इतना बड़ा एप्पल स्टिकर आज नहीं देगा बिकॉज भैया मैक स्टूडियो है। इधर अगर हम देखें तो ये इधर निकलता है, ये इधर निकलता है और यहां से आप बड़े आराम से लिफ्ट कर सकते हैं मैक स्टूडियो। और इसी के ठीक नीचे है हमारे पास में इसकी पावर केबल, जो कि अगेन काफी जो है वो हैवी ड्यूटी है भाई, बिकॉज इट नीड्स सीरियस अमाउंट्स ऑफ पावर। और अगर हम बात करें मैक स्टूडियो की तो दिस मस्ट बी यूजुअल यू नो एज बिफोर। ओके यार, एप्पल प्रोडक्ट्स की ना जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है वो तो मैं बोलूंगा मतलब अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। और द वे द थिंग्स आर इवन डिजाइंड, देयर इज अ सर्टेन एप्पल वे ऑफ डूइंग स्टफ। तो ये है गाइज ऑल न्यू मैक स्टूडियो, हैव अ क्लोजर लुक और फिर हम इसको एक्चुअल में यू नो रखते हैं टेस्टिंग के लिए और फिर पूरा पता लगाते हैं कि आखिर इतनी सी ये क्यूट सी दिखने वाली मशीन में कितनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पावर को पैक किया गया है। तो गाइस देखा आपने कि क्या जलवा है भाई एप्पल मैक स्टूडियो का। और फिलहाल मैंने यहाँ पे पूरा माहौल ही बना दिया है, मतलब नया वाला मैक स्टूडियो, एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले, साथ में हमारे पास में मैजिक ट्रैक पैड, मैजिक कीबोर्ड विद टच आईडी ऑफ कोर्स, और साथ में एप्पल का मैजिक माउस। तो यार बेसिकली तो मतलब जो कंसेप्ट है वो क्या है कि मतलब देखो, नॉर्मल अगर आप यूज कर रहे हो कोई भी चीज तो इट्स इजी कि आप अपने मैकबुक में काम कर सकते हो, या मैकबुक अगर आपको चाहिए पोर्टेबिलिटी में ज्यादा परफॉर्मेंस तो प्रो लाइनअप ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप सिस्टम्स की तो एप्पल जो है वो शुरुआत लेके आता है एप्पल के मैक मिनी लाइनअप से, एंड मैक मिनी इज वेरी 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 पावरफुल, जो नया वाला है ना, मतलब इट्स अमेजिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं और ज्यादा हाई एंड जाते हुए, जहां पे भाई एक स्टूडियो एनवायरमेंट में आपको हाई एंड यू नो एडिटिंग करनी है, या 3D पे काम करना है, एनिमेशंस के ऊपर काम करना है, या अगर हम बोलें कि आपको अलग तरीके से फोटोशॉप वगैरह को मतलब एक बहुत ही बड़े स्केल पे काम लेना है, तो उसके लिए समटाइम्स यू नीड मोर पावर। और वहां पे ये डिवाइस काम में आएगा जिसका नाम ही है मैक स्टूडियो। और ये एप्पल ने लास्ट इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब हमारे यहाँ पे स्टूडियो में भाई मल्टीपल मैक स्टूडियोज को हम यूज करते हैं और एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। इस बार चीजें बिल्कुल सेम है, मतलब यू नो द वे इट लुक्स, या द वे जो पीछे आगे जो आपको मिलते हैं सारे पोर्ट्स वगैरह वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हुआ है इसमें अंदर, क्योंकि अभी इसमें है एप्पल की M2 सीरीज की चिप्स, मतलब दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, M2 मैक्स या फिर M2 अल्ट्रा। और भाई जो परफॉर्मेंस है वो अमेजिंग, मतलब इवन जो बेस लाइन मतलब सबसे लोवेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का जो मैक स्टूडियो है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पे एप्पल की M2 मैक्स चिप है जिसमें 12-कोर CPU है, 16-कोर का न्यूरल इंजन है, 30-कोर GPU है, 32 GB की मेमोरी है। मतलब आप सोच के देखो कि कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस इसके अंदर पैक कर गई। और अगर आप इसको लेके जाते हैं एकदम कस्टमाइज करते हुए हाईएस्ट पॉसिबल ऑप्शंस पे, तो वहां पे है फिर एप्पल की M2 अल्ट्रा चिप, जहां पे भाई 76-कोर GPU है, 24-कोर CPU है, 32-कोर न्यूरल इंजन है और 192 GB की मेमोरी है। मतलब जस्ट इमेजिन 192 GB की रैम आपको इसके अंदर मिल सकती है। फिलहाल द ऑप्शन दैट वी हैव इज काइंड ऑफ इन बिटवीन, बिकॉज यार ये तो फिर ओवरकिल है ना, मतलब अगर इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होगी तो हो, लोग हैं ऐसे, बट हमको नहीं चाहिए। तो व्हाट वी हैव इज 2 TB इसके अंदर स्टोरेज है, 64 GB की अंदर मेमोरी है और यहाँ पे है एप्पल की M2 मैक्स चिप विद 38-कोर GPU, जो कि अगेन आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो परफॉर्मेंस है
आई मीन द एक्सपीरियंस दैट वी गॉट वॉज अमेजिंग. मतलब इससे पहले वाला भी जो था हमारे पास में जितने भी मैक स्टूडियोज हैं, एक्सपीरियंस फैंटास्टिक रहता है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग या इन टर्म्स ऑफ यू नो एक्सपोर्ट टाइम्स या द वे आप इसके अंदर अपनी मल्टीपल 4K फुटेज को लगा के स्क्रब कर रहे हो या मतलब यू नो बिल्कुल जीरो लैग के साथ में आप काम कर रहे हो, तो वो सारा मजा आपको मिल ही रहा है. और इस बार तो विद M2 चिप्स ये और ज्यादा बेहतर हो गया है. और मेरे ख्याल से बोलूंगा यार कि ये ना एक काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है फॉर स्टूडियोज काफी लंबे टाइम के लिए, कि आपने एक बार इसको लेके रखा और फिर मतलब भूल जाओ फिर मतलब नो फॉर मल्टीपल इयर्स. तो दिस इज इस साल वाला नया वाला मैक स्टूडियो. मैं बेंचमार्क्स या बाकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा यार, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट. हमको पता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है. लास्ट ईयर जो था वो भी सभी बेंचमार्क्स को, सभी जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे उनको एक्सीड कर रहा था. और अभी इस टाइम तो विद M2 अल्ट्रा या M2 मैक्स चिप के जो ऑप्शन है हमारे पास में वो फैंटास्टिक बनाए थे इस पूरे मशीन को. और आप सोचो कि इतने छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में हमारे पास में सारे जो IO के पॉसिबल ऑप्शन है वो अवेलेबल हैं. सामने हमारे पास में SD कार्ड का ऑप्शन है, सामने हमारे पास में 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, पीछे अगेन हमारे पास में बहुत सारे पोर्ट्स है, कंप्लीट यू नो एकदम साइलेंटली ये मशीन काम करती है, थर्मल्स फैंटास्टिक हैं. तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से इसको बनाती हैं एक आइडियल कैंडिडेट फॉर द स्टूडियो एनवायरमेंट. जहां पे हम बात करते हैं अगर स्टार्टिंग प्राइस की, तो जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 2,09,900 रुपए का, और ऊपर तो फिर जो है बात और मल्टीपल लैक्स की हो जाएंगी जितना आपको कस्टमाइज करना हो. फिर चाहे आप मेमोरी बढ़ाएं, चाहे आप प्रोसेसर को बढ़ाएं, मतलब यू नो चाहे आप स्टोरेज को बढ़ाएं, मतलब यू कैन इजीली कस्टम मेक दिस मशीन. हमारे पास में ये जो सेटअप है विद द एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले एकदम फैंटास्टिक काम करता है यार. मतलब अगर मैं कोई ऐप भी खोलूंगा ना तो बहुत अच्छी चीज़ें काम कर रही हैं. डिस्प्ले और ये दोनों चीज़ें मिल के एक अच्छा एनवायरमेंट बना देती हैं फॉर एनी स्टूडियो. So yeah, that's all about the new Mac Studio. आप बताओ guys कि आपको क्या इतनी परफॉर्मेंस चाहिए या फिर Mac Mini से काम चल जाएगा. फॉर दैट मैटर अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो MacBook Air भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है. बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. हो सकता है कुछ लोगों को यही चाहिए हो, कुछ लोगों का काम ना चले Mac Mini से. तो दैट्स द रीज़न कि Apple के अपने लाइनअप में ना आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो नेसेसरीली नहीं है कि भाई आपको यही लेना होगा या आपको इसी से परफॉर्मेंस मिलेगी. परफॉर्मेंस आपके लिए हो सकता है Mac Mini बहुत हो, तो यू कैन यू नो ऑलवेज मेक योर कैलकुलेटेड डिसीजन. खैर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ में. दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.